अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल सेशन लेकर, जो क्या है, दैट मीन्स ऑन कपलिंग्स। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली कपलिंग को कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आप लोगों को, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि सर कपलिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, दैट मीन्स एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कपलिंग से मेनली मेरे बच्चे क्या बोला सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट मीन्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको थ्योरी पूछी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, डिजाइन कपलिंग्स की हम लोगों को नहीं करनी है। अब बोला सर दैट मीन्स हम लोगों ने कपलिंग कंप्लीट कर लिया है, तो सो दैट हम लोग देखें कि किस टाइप के दैट मीन्स कपलिंग के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, राइट। शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने वीडियो को देख के बनाई लिए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं दैट मीन्स वो एक रिविजन के बाद देख रहे हैं, सो दैट आप लोगों को ये हो जाएगा कि दैट मीन्स कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मैं क्वेश्चन दैट मीन्स मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं ला रहा हूँ, आई थिंक 7 क्वेश्चंस हैं ज़्यादा दैट मीन्स मुझे नहीं मिले। बाकी आप लोगों को बता दूँ बेटा, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वही बार बार पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सिर्फ क्या किया है, थोड़ा सा उनको मैनिपुलेट कर दिया गया है, थोड़ी सी दैट मीन्स उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, मीनिंग सबका सेम ही है। तो हर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने डालने की कोशिश करी है, सो दैट आप लोगों का आइडिया हो जाए कि सर एक अच्छे लेवल का एग्जाम है तो एक लेवल अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, एसएससी जेई का भी है, आरपीएससी का भी है, और पब्लिक सेक्टर के भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से दैट मीन्स क्या पता चल जाएगा, उसका लेवल पता चलेगा। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे ही वो क्वेश्चंस पूछेगा, इससे डिफरेंट आप लोगों से नहीं पूछेगा, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया, और होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन को देखकर आप स्टार्ट करो, उसके बाद जैसे ही आप ये सेशन को एंड करोगे तब आप लोगों को दिखेगा कि सर ने जिस वे में पढ़ाया, जिस एक सीक्वेंस में पढ़ाया, सर हर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं। सो दैट आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बनेगा, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बने, सो दैट आप एग्जाम में जाएं और कॉन्फिडेंस से पेपर को फाड़ के आए, राइट। चलिए पढ़े। तो हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रीड ऑप्शन ऑल्सो एंड देन टेक द आंसर, राइट। चलिए पढ़िए। The sleeve or muff coupling is designed as thin vessel, thick vessel, solid shaft and a hollow shaft. So that means sleeve or muff coupling. क्या होता है भाई? क्या होता है? मैंने क्या बताया था? तो बोला सर वो basically क्या है? This is the hollow cylinder. जो वो hollow cylinder था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? That means there is a what? बोला सर there is a sleeve, right? Sleeve or muff. तो hollow cylinder है, तो हम उसको बोलेंगे. Simple. चलिए next पर आएंगे. देख रहे हो क्वेश्चन आरपीएससी का ए का है, आरपीएससी ए का बेटा आपका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि कहां का क्वेश्चन दैट मींस पूछ रहे हैं, ये 2016 में पूछा गया है, राइट। पढ़िए ध्यान से, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे मुझे विश्वास है आप लोग कर लेंगे। पढ़िए, टू पैरेलल शाफ्ट द डिस्टेंस बिटवीन हूज एक्सिस इज स्मॉल एंड वेरिएबल मे बी वेरिएबल मे बी कनेक्टेड बाय, दैट मींस क्या है भाई, दो पैरेलल शाफ्ट्स हैं, सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन द हूज एक्सिस इज स्मॉल एंड वेरिएबल मे बी कनेक्टेड, तो उनके जो एक्सिस हैं वो क्या है, वेरी कर रहे हैं थोड़ा से और ज्यादा में भी, ठीक है। और क्या है, दो पैरेलल शाफ्ट्स हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी दैट मींस मैं प्रैक्टिस सेशन करवाता हूं तो कई बच्चे, जैसे मैं क्वेश्चन दिखते ही मैं आपको दैट मींस 5 to 10 सेकंड का आप लोगों को टाइम देता हूं, तो यहां पर जैसे कोई बच्चा पॉज करके अगर देखना चाहे तो दैट मींस वो पॉज करके फिर उसका आंसर दे, फिर मेरे साथ वो क्रॉस चेक कर सकता है, ठीक है। लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आपको आराम से आपको
टाइम दूर फिर मैं आपके कमेंट्स पकड़ सकूं, तो रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में आप इस तरीके से कर सकते हैं, सो दैट आपको भी हो जाएगा कि सर हाँ मैंने रिविजन किया, आपने 7 क्वेश्चन कराए तो 7 में से मेरे कितने ठीक आए, राइट। यही एक कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे बड़ा एक वे होता है, राइट। तो देखो टू पैरेलल शाफ्ट, तो क्या आएगा, गियर ड्राइव, यूनिवर्सल ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट एंड ओल्ड हार्म्स कपलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी गुड, दैट मीन देयर इज अ डी, इट इज द ओल्ड हार्म्स कपलिंग। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर द डिस्टेंस बिटवीन हुज एक्सिस इज स्मॉल एंड वेरिएबल, तो एक्सिस के अंदर डिस्टेंस है तो दैट मीन क्या है, बोले सर मिस अलाइनमेंट है। क्या है, मिस अलाइनमेंट है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, बोला हाँ। लेकिन बट बोला सर जो मिस अलाइनमेंट होते हैं वो तो दो टाइप के होते हैं, बोला कैसा, बोला सर लेटरल और लेटरल और एंगुलर। तो बोला गुरुदेव लेटरल भी अलाइनमेंट है, एंगुलर भी मिस अलाइनमेंट है, तो सर ऑप्शन दैट मीन्स यूनिवर्सल ज्वाइंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एंगुलर के लिए हम लोग यूनिवर्सल यूज करते हैं, फॉर लेटरल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड हार्म्स यूज करते हैं, ऐसा ही बताया। तो सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि ओल्ड हार्म्स ही आएगा इसका आंसर, यूनिवर्सल भी तो हो सकता है। बिल्कुल बेटा करेक्ट, दैट मीन्स दिस इज अ जेन्युइन डाउट जो आपके मन में आना चाहिए। अरे भाई लेवल देखो ना, एई का है और आरपीएससी का है, राजस्थान का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, राइट। तो क्वेश्चन एग्जाम जैसा है वैसा लेवल भी है, तो घुमा दिया। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने ओल्ड हार्म्स कपलिंग की थी तो ये वर्ड मैंने वहां पर यूज किया था, दैट मीन देयर इज अ टू पैरेलल शाफ्ट्स, करा था बोले सर बिल्कुल करा था, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया क्या, बोले सर दैट मीन देयर इज अ ओल्ड हार्म्स कपलिंग। याद है एक एक वर्ड जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, दैट मीन मेरी क्लास के अंदर एक एक वर्ड आप लोगों को दिखेगा कि हाँ सर के क्वेश्चन इस तरीके के है, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, द कपलिंग यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट, दैट मीन स्पेलिंग गलत लिखा है ये, टू शाफ्ट विद लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट। बोला गुरुदेव इसमें तो कुछ है ही नहीं, एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, बोले सर यूनिवर्सल कपलिंग। देखो फ्लैंज कपलिंग, ओल्ड हार्म्स कपलिंग, फ्लेक्सिबल बुश कपलिंग, हुक्स कपलिंग, बोले सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है मेरा बेटा। यूनिवर्सल कपलिंग को एक और नाम से जानते हैं क्या, दैट मीन देयर इज अ हुक जॉइंट, मैंने आपको बताया था, दैट मीन क्या बोला था, बोला सर यूनिवर्सल, और मैंने बोला था बेटा इसको हम हुक्स कपलिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हुक्स कपलिंग लिखा था नोट्स के अंदर, बोला सर बिल्कुल लिखा है, तो घबराना मत, दोनों चीजें बोल सकते हैं और दोनों का सेम ही काम, राइट। तो वहां पर यूनिवर्सल नहीं है तो आपके सामने हुक्स दिया हुआ है, तो हुक्स आप देख सकते हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कुछ भी नहीं है, हलवा है, आराम से कर लोगे। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, परमिट द मोशन टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द गियर, दैट मीन्स फ्रॉम द गियर कहां से कर रहा है, फ्रॉम द गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट टू द पिनियन शाफ्ट ऑफ द डिफरेंशियल, ऑफ द डिफरेंशियल इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द ड्राई शाफ्ट। क्लियर है। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो, दैट मीन्स किसका, फ्लेक्सिबल कपलिंग का, तो मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दिया, एक मैंने दैट मीन्स चाहता तो मैं दोनों को एक साथ भी बना सकता था, तो मैंने बोला सर एक बार रिजिड कपलिंग का एक वीडियो बनाया छोटा सा, दैट मीन्स आई थिंक वो 15 to 20 मिनट का एक होगा, एक मैंने वीडियो बनाया दैट मीन्स फ्लेक्सिबल कपलिंग का, वो भी इतना ही होगा 15 to 20 मिनट का होगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाया द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड, दैट मीन्स देयर इज अ रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग, तो वो भी इतने ही मिनट का होगा। तो तीन अलग अलग वीडियो बनाने का दैट मींस मेरा ये था कि किसी को लगे कि छोटे छोटे वीडियो आराम से हम लोग देख लेंगे, चाहता तो मैं तीनों को बड़ा बना देता था, एक घंटे का वीडियो आप लोग नहीं देखते, छोटे छोटे से वीडियो है 2x पे लगा के स्पीड पे लगा के आराम से देख लोगे, हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट मींस वहां पर जब हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग कर रहे थे तो मैंने ओल्ड हार्म्स कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग बताया था, और मैंने यूनिवर्सल कपलिंग और ओल्ड हार्म्स कपलिंग के
एग्जाम्पल्स बताए थे कि वेयर द ओल्ड हार्म एंड द यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड, बोलो बताया था, बताया था, बोलो सर डेफिनेटली बताया था, तो डेफिनेटली बताया था, तो इसमें बताया था यही लिखा था कि द गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट टू द पिनियन, भाई एक गियर बॉक्स शाफ्ट से एक दूसरी क्या डिफरेंशियल से, तो कौन सा था, बोला गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्सल जॉइंट, राइट। तो ये चीज है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसका आंसर यूनिवर्सल जॉइंट, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसका आंसर यूनिवर्सल जॉइंट, बोलिए बोलिए, बोला सर हां, तो दैट मींस है एक ही टॉपिक, सिर्फ एक ही है, एग्जामिनर ने क्या किया, सिर्फ उसको घुमा दिया, थोड़ी सी लैंग्वेज को क्या करा उसने, चेंज कर लिया, ये उसने सीधा पूछ लिया, वहां पर उसको उसने क्या किया, बोला सर उसका एग्जाम्पल देके पूछ लिया, है तो सेम चीज ही ना, तो बस इसी तरीके से है। तो जितना मैंने आप लोगों को बोला कि कपलिंग जितना मैंने पढ़ा दिया, इट इज मोर देन इनफ, कितना बड़े से बड़ा एग्जाम दे लेना आपके कपलिंग के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अभी चलो आगे मैं आपको दिखाता हूं, आपको हो गया, चलो ये लो क्वेश्चन, That means muff coupling, flange coupling, old halves coupling, huge coupling, यानी चारों coupling। अगर आप लोगों को पता है, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। That means किसका क्वेश्चन है भाई, बोले सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता ही है, तो भाई जैसा पेपर है, जैसा पेपर का लेवल है वैसा ही क्वेश्चन भी होगा, तगड़ा मोटा है ना, बोले सर ये है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, आराम से उड़ा दोगे, मैं नहीं कहता, दैट मींस भाई अब कई लोग जैसे बोला सर अभी तो हम एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कुछ नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाया आप लोगों को कि सर जितना हम लोगों ने पढ़ा इससे हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आरपीएससी के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एसएससी के तो बना ही सकते हैं, राइट। ये चीज है, तो एक एक पढ़ते जाओ, जो सबसे पहले मैच होता है उसको उससे मैच करते जाओ, चलो उसको उससे मैच करते जाओ, चलो चले करो। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये पढ़ो, पहले सबसे पहले ये दो पढ़ो, द टू ट्रांसमिट द पावर बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट का मतलब बोले सर एक मेरा ये एक्सेस है और एक मेरा ई एक्सिस है, इसी को बोलोगे ना कि सर दैट मींस देयर इज इंटरसेक्शन पॉइंट, बोला सर हाँ, एक चीज आ गया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट फोर्थ पढ़ो, फॉर द फ्लेक्सिबल कनेक्शन बिटवीन द टू शाफ्ट्स विद सम मिसअलाइनमेंट फॉर द ट्रांसमिटिंग पावर। यहां पर क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट इट इज द ओनली अलाइनमेंट है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो ये कौन सी कपलिंग होगी, कौन सी कपलिंग होगी, बोले सर इंटरसेक्टिंग, दैट मींस देयर इज अ एंगुलर मिसअलाइनमेंट, एंगुलर है तो बोले सर ये आ जाएगा। तो हम लोग कह दें डी इज टू कर दूं बेटा, डी इज टू कर दूं, कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब डी टू के ऑप्शन है, डी टू ये, डी टू ये, इसका मतलब ऑप्शन ना तो ये होगा और ना ही आपका ये होगा, ऑप्शन आपका ए और सी में से एक आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, तो बोले सर अब भाई अलाइनमेंट के लिए तो हम लोग दो यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग में ओल्ड हार्म्स कपलिंग ही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आ जाएगा, ये आपका सी आपका हो जाएगा व्हाट, सी आपका हो जाएगा व्हाट, प्लस सर सी मेरा फोर हो जाएगा, तो यहां भी लिखा हुआ है दैट मीन देयर इज अ सी फोर, तो आप देख सकते हैं सी फोर है, तो ये सी फोर नहीं आया, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, दैट मीन देयर इज अ चेन्नई, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा लाल, सी इज द चेन्नई। ये दो करने से ही आपका काम बन गया, ये दो करने से ही आपका काम बन गया, बाकी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि बोले सर हम बात करें फॉर द रिजिड कनेक्शन, फॉर द रिजिड कनेक्शन बिटवीन द टू अलाइन शाफ्ट फॉर द पार्टनर, अलाइन ऑब्वियसली बात है, दैट मींस देयर इज अ रिजिड कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू शाफ्ट विच आर परफेक्टली अलाइंड, तो ये क्या कह रहा है, अलाइंड कह रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन में हम लोग क्या करें, तीन में हम लोग क्या करें, तीन दैट मींस क्या आ जाएगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ मफ कपलिंग, उसके बाद बी आपका वन हो जाएगा, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कपलिंग को तो आप एग्जाम से उड़ा दोगे, राइट। चलूं मैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये किसी पब्लिक सेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। When the shafts are slightly misaligned, then most suitable coupling to connect. That means क्या shafts are slightly misaligned, then most suitable coupling is connect them. Rigid coupling, flexible coupling, old arms coupling and none of these. तो obviously बात है बेटा, ये तो होगा ही नहीं और ना ही ये option होगा. A और D option नहीं होगा, B और C में से एक option होगा, ठीक है. जर्नली मैंने बच्चों को देखा, दैट मीन्स जैसे ही पढ़ते हैं बोला सर स्लाइटली मिसअलाइन, मिसअलाइनमेंट पढ़ते ही दैट मीन्स वो क्या कर देते हैं, ऑप्शन मार देते हैं, बोला किसको, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ ओल्ड हार्म्स कपलिंग, क्या कर देते हैं ओल्ड हार्म्स कपलिंग, क्लियर है. एक बात, दूसरी बात, चलो मैं बोलता हूं कि चलो ये आप बोलते हैं कि हाँ दैट मीन्स देयर इज स्लाइटली मिसअलाइन, क्लियर है, ठीक है, राइट. एक बात तो मैं अब आप लोगों को बोलूं बेटा, मैं आप लोगों को बोलूं, चलो आप बोल रहे हो कि सर सी इज द करेक्ट आंसर, और कई एग्जाम जो है वो सी को करेक्ट मान भी लेते हैं, मैं नहीं कहता सारे एग्जाम, लेकिन सी को करेक्ट वो मान भी लेते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा सी ना हो के इसका ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी ना हो के इसका ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बोलिए बोलिए. बोला सर कैसे बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है आपकी, जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है, दैट मींस फ्लेक्सिबल कपलिंग, बताओ क्या बताया था मैंने आपको, बोले सर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच हैव लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट. यही बोला था बोला सर बिल्कुल आपने यही बोला था. तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, दैट मीन्स क्या कह रहा है कि बोला सर मिसअलाइनमेंट. तो बेटा मिसअलाइनमेंट जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका लेटरल भी हो सकता है, ये आपका एंगुलर है. इसमें कहीं उसने बोला कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ लेटरल है या एंगुलर है, लेटरल है या एंगुलर है, उसने कहीं बोला, बोला सर उसने कहीं नहीं बोला कि सर लेटरल अलाइनमेंट है या एंगुलर मिसअलाइनमेंट है. तो मैं कह सकता हूं बेटा इसका आंसर फ्लेक्सिबल कपलिंग भी हो सकता है. सिर्फ उसने बोला कि दैट मीन देयर इज अ स्लाइटली मिसअलाइंड, देन मोस्ट सूटेबल कपलिंग इज टू कनेक्ट देम इज Them is. तो बेटा इसका आंसर फ्लेक्सिबल कपलिंग भी हो सकता है. अब कहेंगे सर दैट मींस इसका आंसर ओल्ड हार्म्स कपलिंग ही क्यों हो सकता है, मैं भी बताऊं और मैं भी सोचता हूं. दैट मींस उसने क्या लिखा बेटा, यहां देख सकते हो आप, यहां उसने लिखा सिंपल सी एक बात कि दैट मींस देयर इज अ स्लाइटली मिसअलाइन. तो स्लाइटली का मतलब, इसलिए इसका आंसर इसने सही बोल दिया कि सर स्लाइटली मिसअलाइन का मतलब दैट मींस देयर इज अ ये है, ये आपका एक्सिस है, ये आपकी एक एक्सिस है. दैट मींस क्या, ये थोड़े से अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, There's a small distance between them. So slightly का मतलब that means the axis के बीच में small distance है. इसलिए हम लोग lateral के लिए क्या use करते हैं, old arms. इसलिए इसका answer that means हम लोग क्या कह देंगे, that means there is a old arms coupling. Clear है? तो ऐसे question अगर आपके सामने आ भी जाए तो घबरा के लठ मत हो जाना. सिर्फ question को एक बार समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो. दोबारा समझ में नहीं आ रहा, तिबारा उसको time देके पढ़ो. So that आप लोगों को चीजें clear हो जाएंगे. इसका answer मेरे आपसे old arms coupling होगा. Clear है? चलिए. This is your last question, बेटा. This is your last question. देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. चलिए, the following coupling is used to connect two बोला गुरुदेव अभी किया था. That means there is a what? बोला sir, two parallel shafts having the distance between the axis. तो option क्या हो जाएगा? That means what? बोला sir, there is a old arms. कपलिंग. तो बेटा यही मेरा एक मोटो है कि आप लोग दैट मींस क्या हो, आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस बन जाए कि बोला सर देखते ही हम लोग क्या करें, क्वेश्चन उड़ा दें. तो होप सो मेरे बच्चा, जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद दैट मींस अगर ये सेशन
अटेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मस्त हो गया होगा कि सर जितना आप लोगों ने पढ़ाया, जिस लैंग्वेज में आपने दैट मीन्स हम लोगों को नोट्स बनवाए, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स में उतार लो, उसी पॉइंट से क्वेश्चन दैट मीन्स पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं वही, भाई ऑब्वियसली बात है मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि भाई मैंने ये पढ़ा है तो मैं वही वही क्वेश्चन लेकर आऊं कि मैंने यही दिखा दिया, नहीं, आपको छूट है मेरे बच्चे, आपको छूट है। आप किसी भी एग्जाम के कपलिंग मेरे वीडियो देखो, मेरे वीडियो देख के कपलिंग के क्वेश्चन दैट मीन्स लगा के देखो, मैं इतना बोलता हूं आपके 80-90% आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके 80-90% क्वेश्चन ना हो, मैं 80-90 की बात कर रहा हूं, 80-90% आपके हो जाएंगे, 10% अब 10% बेटा इसी के लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी कपलिंग पढ़ाया, एक बार मशीन डिजाइन का कंप्लीट सिलेबस होने दो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं दैट मीन्स मिक्स वगैरह कर देते हैं, राइट, तो क्वेश्चन दैट मीन्स अलग भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, ओनली कपलिंग, कई बार क्या करते हैं कपलिंग और क्लच के क्वेश्चन साथ मिला देते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। तो 90% मैंने इसलिए बोला कि 80-90% आपके कपलिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।